WWE मनी इन दी बैंक पेपर व्यू में फैंस को इतनी सारी चौंकाने वाली चीजें देखने को मिली जिसकी शायद उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी। मनी इन दी बैंक लैडर मुकाबले में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ब्रॉक लेसनर आखिर में एंट्री कर ब्रीफकेस अपने नाम कर लेंगे। मनी इन दी बैंक के बाद पहला रॉ एपिसोड भी काफी दिलचस्प रहा। रॉ के ओपनिंग सेगमेंट में ब्रॉक लेसनर अपने मैनेजर पॉल हेमन के साथ रिंग में आए। हेमन लगातार लेसनर की तारीफ किए जा रहे थे कि इतने में यूनिवर्सल चैंपियन सेथ रॉलिंस वहां आ गए। इसके बाद WWE चैंपियन कोफी किंगस्टन भी वहां पहुंचे और उन्होंने भी लेसनर को चैलेंज किया, लेकिन लेसनर और हेमन ने रिंग छोड़कर जाने का निर्णय लिया। लेसनर ने ये नहीं बताया कि वह किसको चैलेंज करेंगे, उनके हिसाब से जब उनका मन होगा किसी पर भी कैश इन कर देंगे। इसके बाद मेन इवेंट में लग रहा था कि लेसनर कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेसनर रिंग के अंदर भी नहीं आए। स्पोर्ट्स की सभी अपडेट्स जानने के लिए स्पोर्ट्स स्ट्रीट को सब्सक्राइब करें और